जगन्नाथ अरे माँ वर्ष वर्ष धरी कायमन वाक्य पूजा करी आसी से केबे भी मो प्रति निर्दय हेबे नी काली मोर समस्त भक्ति दे तंगो पूजा करी आउ पाद तले मुंडा पिटी पिटी मु कहिबी तमे विद्यापति को फेरे आनो इमिति तो केबे हुई नी ए गुफा दर काई की खोला छी की खोला ए गुफा दर काती काती मो प्रभु कोड़े गले काई के अंतर दर रही गले काई के आज ये जगह खाली पड़ी छी हे प्रभु हे प्रभु कोड़े गलो प्रभु काई के अंतर दर रही गलो काई की मो प्रति घर न हला काई की जोदिन आत्महत्या करिबारु रक्षा पाइला ता परदिन सकाळु सबुदिन परि महाराज नीलमाधवंकु पूजा करिबाकु बाहरि गले किंतु सेइ जे गले आजि पर्यंत से फेरि नहंती ललितार कौन है कह से अनुसार कबिराज निज सहित औषध नहीं कहिबाकु गले रोगर कौन से लक्षण नहीं जेमिति सब चुपचाप आपण तो हेले सबरबस्तीर वयस्क व्यक्ति आपण चिंता करी कहंतु महाराज आसिया पर्यंत ए सिंहासन खाली रहिबो ना कहाकु बसाजिबो राजांकर जिया ललिताकु सिंहासन रे बसेइबो निर्भेद निष्पंद और नीरव ललिता से कांदु नहीं कंदेबार समस्त प्रचेष्टा पर भी आखिर टोपाई भी अश्रु निर्गत हो दुर्घटना पर दुर्घटना ता हृदय को पथर करपरिक जो मृत्यु चेतना ताकु दिने नदी भितर को ठेली से भी जमी बर्तमान ताभर हजि कौन कर सी केमी केमी तार पूर्वदिन मानक हस खुशी सबको फेरी पाइब से ए पाखरे राजा इंद्रद्युम्नंकर अवंतीरु उत्कल देश यात्रा अव्याहत रही केते नद नदी पर्वत अरण्य अतिक्रम करी राजा इंद्रद्युम्न नारद और अन्यान्य पात्र मंत्री सहित आगे चलिछंती से परम कारुणिक नीलाद्रीनाथ नीलमाधवंकर दर्शन पाई से वर्तमान महानदी कूल रे
महाराज ए नदीर नाम महानदी। सतरे विद्यापति, एठी सबु महान, एपरिकी नदी भी। हाँ महाराज, ए पवित्र उत्कल देशर प्रतिटि रेणु महान। एठी समुद्रर नाम महोदधि, एठी नदीर नाम महानदी। ए नदी उत्कलर गंगा, ए नदीर नील निर्मल जल लक्ष लक्ष नदीकूल अधिवासींक तृष्णा मेंटाए, कृषि क्षेत्र रे साहाज्य करे। ए नदी को अतिक्रम करिगले एकामर क्षेत्र पड़िबो, तापर आमर आरंभ हबो नीलाचल यात्रा। शुण विद्यापति, एई नदीकूल रे आज विश्राम नहीं, काली प्रभातरु पुणी यात्रा आरंभ करिबा। ठीक अछि महाराज, मु आपनक आदेश को समस्त को जणाई देबे। अच्छा, ऋषि प्रबर कण पूजा रे व्यस्त अछन्ति? हाँ महाराज, दृष्टता मार्जना कले मु मोर गोटे जिज्ञासा प्रकाश करिबी। पचार, ऋषि प्रबरंक प्रकृत परिचय कौन? विद्यापति, एकाथर के सब जिनस जानवाक चेष्टा कले किछि भी जानी हुए नी। ऋषि प्रबरंक परिचय अवश्य तुम्हें जानी पारिब। एबे नुहे, प्रभु नीलमाधव को दर्शन करने पूर्व परिचय तुम्हें जानीपर। महिमा अवंती नरेश महाराज इंद्रदेवन को मु अभिनंदन जनाऊ। कितु मु त आपन को चिन्ह पालिनी। मु उत्कल नरेश, आपन वर्तमान मो राज्य रे। आपन उत्कल नरेश जानी धन्य हेली, जो राज्य रे प्रभु नीलमाधव को आस्थान, से राज्य जेतिकि पवित्र सेतिकि से प्रजा मान को शासन करथुवा राजा। मु परिचय करे दूची, ये मोर अति विश्वस्त कर्मचारी, तांको ना विद्यापति। तांको पुण्य और त्याग बल रे मु आज प्रभु नीलमाधव को दर्शन पाई सक्षम ही परिबी। आपन को मु शुभेच्छा जणाउची विद्यापति महाशय। मु किंतु विस्मित हेउची राजा, कोनसी भूमिका नथाई आपन मो परिचय पाइले केमिति? आकाश को कही कौन के तार परिचय मागे, कही कौन परिचय मागे सूर्य को चंद्र को? आपण को सुख्याति खाली जम्बुद्वीप भारत वर्ष कहीं ए शसागर धरने परिव्याप्त। आपण आकाश परि निर्मल, सूर्य परि उज्जवल, आ चंद्र परि शीतल। वाह वाह राजा, आपण के काव्यिक उपमार पटांतर नहीं। उत्कल काव्यर देश, संगीतर देश महाराज। किंतु मुठी अच्छी बोली आप जानले केमी? एठिका कथा छाड़ू, उत्कल देशर सीमास्पर्श कर दिन ठू आपण आसी बोली मु दूत पाखु संवाद पाई महाराज। आपण का आशीर्वाद उद्देश्य भी मुझीपारि। आपण जड़े राजा मो देश में पाद दे संवर्धना जनवाक आसबिनी, से तो मु अंतर कृतज्ञता ज्ञापन कर आपण को। आपण अनुचर वर्ग को मु निमंत्रण जनवाक आसी महाराज। कौटि की? मो राजप्रसाद को, मो राजधानी पाखे थी आपण शिविर रात्रि जापन करेंगे, यहीटा देखा मो पक्ष असंभव। मोर स्वनिर्बंध अनुरोध अवंती नरेश, मो प्रसाद अंत गोटे रात्रि अतिवाहित कर। ठीक अच्छे बंधु, मु आपण को अनुरोध रक्षा कले। Thank you.
ঝেণু তারি তা ঝেণু তাথে আপনার এই আন্তরিক অভ্যর্থনার মু আত্মহরা হয়ে যাই উৎকল নরেশ। বন্ধু, এই উৎকল খণ্ডর প্রত্যেক অধিবাসী জাঁতি অতিথি দেব ভব। এই দেশক বন্ধু ভাবে যে আসে প্রত্যেক উৎকলবাসী বাহু প্রসারী তাকে আলিঙ্গন করতে, কিন্তু শত্রু ভাবে যে আসে তার আসবার পাদচিহ্ন থাকে সিনা, কিন্তু ফেরবার পাদচিহ্ন ন থাকে। মোর আপনার পাখে গোটায় নিবেদন অছি। ইয়ে কোন কহুচন্তি? আপন মো পাখে নিবেদন করিবে, বরং আপনকর ইচ্ছা প্রকাশ করন্তু। আপন তো মো উদ্দেশ্য কথা জানিছন্তি। নীলমাধবক দর্শন পরে পরে মোর ইচ্ছা নীলমাধবকু নীলগিরির গুম্ফা ভিতর আনি এক মন্দির নির্মাণ করি তাকু প্রতিষ্ঠা করিবি। বন্ধু, ইয়াঠার উত্তম প্রস্তাব কোণ থাইপারে? দেবালয় প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী খনন এবং অন্নদান ঠার মহৎ কার্য আপন থাইপারে? আপন যেকোন স্থানরে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিপারন্তি, মু সেথিপাই অনুমতি দিলি। মোর দ্বিতীয় ইচ্ছা হেলা বাকি জীবনটা প্রভু নীলমাধবঙ্ক পূজা অর্চনারে কটেই দেবি, আউ কেবে বি অবন্তি ফেরিবি নাহিঁ। খালি সেতিকি নুহে, মো সহিত রহিবাকু চাহুতুবা অবন্তীবাসীঙ্ক পাই সেই অঞ্চলরে এক বসতি স্থাপন করিবি। আপন দয়া করি যদি স্থান দিয়ন্তে। বন্ধু, দয়া করি অনুগ্রহ করি এভলি শব্দ আপন ব্যবহার করন্তুনি। এভলি কার্যরে কেহি কাহাকু অনুকম্পা প্রদর্শন করন্তি নাহি। বন্ধু,
नील समुद्र ठारु नीलाचल पर्यंत ए प्रशस्त क्षेत्र आपण के इच्छा पूरण पाई मु हस्तांतर कर देली। जावत चंद्रार के आपण पुत्र पौत्र निर्विशेष भोग करिवे, एहा त्रिबार सत्य। केवल इतिकी अनुरोध, नीलगिरी पर्वत पादेश रे गोटे क्षुद्र सबरपल्ली अछि, जहार अधिपति राजा विश्वावसु प्रभु नीलमाधवंकर पूजक, से बस्तीर अधिवासींकु बासच्युत करिवे नाही। बंधु, आजिठारु मृत्यु पर्यंत आपण बंधुता सूत्रे आबद्ध हेले, जेउ नीलमाधवंक पई मु सुदूर अवंती राज्यरु एठिकि आसछि, तांकरि पूजककु मु बासच्युत करिवि। से भी तो मोर परम बंधु, तांकरि सहयोगरे मंदिर तयारी ठु आरंभ करी नीलमाधवंक विग्रह प्रतिष्ठा पर्यंत समस्त कार्य संपादन करिवि। से चिरकाल मोर बंधु ही रहिबे। खाली सेतिकि नुहे, से स्थानरे बसवास करुथुवा अन्य बासिंदा माने बिना बाधारे सुखरे कालातिपात करिवे। मु कथा दउछि बंधु, बंधु बहुत खुशी लागुछि जे आपणक पौरोहित्यरे नीलमाधव प्रतिष्ठा हेबे। प्रभु नीलमाधवंक लागि से अंचल सारा संसारे प्रसिद्धि लाभ करिवो। आपणक कृतित्वर बाना चिरदिन पई उड़िवो। मु त निमित्त मात्र उत्कल नरेश, सबु तांकरि इच्छा। से तो सत कथा, तांकर निर्देश बिना पत्रटिए कळे नाही कि फुलटिए फुटे नाही, किंतु भगवान सबुबेले गोटे माध्यम खोजंती जहाद्वारा से तांकर इच्छा पूर्ण करिथांती, नहले जने साधारण सबर विश्वावसु तांको पूजार अधिकार पाइथांता। बंधु, स्वप्न देखिबा थारु अभियान पर्यंत समस्त घटना मु आपनको सुनैछि। तांकर कार्य आ इच्छा पाइ मु जदि माध्यम हेइताय, मु निजकु धन्य मने करिबि। आपण जे धन्य हेइ सारिछंती, एथिरे कोनोसी भूल नाही। बंधु, मंदिर आ नीलमाधवक प्रतिष्ठा उत्सवकु मु आपनको आमंत्रण करूछि, आपणक उपस्थिति कामना करूछि। जदि मु जीवित थाए ताले निश्चय आपणक अनुरोध रक्षा करिबि। नाही बंधु, एमिति अशुभ कथा स्वप्नरे भी भाबिबे नाही। बंधु, जन्म मृत्यु ओ वर्षार समय केही भी कहि पारिबे नाही। पार्चिला फल गछरे झुलि थाउ थाउ कंचा फल भी बेले बेले गछरु झरि पड़े। भाग्य ओ भविष्यतकु नियंत्रण करिबा कहारि हातरे नाही। आम भाषारे गोटे कथा अछि, मर्त्य मण्डले देह बही देवता हेले भी मरई। उत्कल नरेश एवं महाराज इंद्र दुम्नंकु मो विद्यापति जथामान्य जनाउछि। महाराज, यात्रा पाई रथ प्रस्तुत अछि। अन्य माने? सेमाने अति प्रतिशोरु यात्रा आरंभ करि सारिछन्ति। महाराज, महाराणी मध्ये सांगरे जाइछन्ति, सृष्टिधर सेमानंकु बाट कढ़ी नेबे। आउ सन्यासी? महानदी कूलरे से आपणंकु अपेक्षा करिछन्ति। बंधु, आपणक आतिथ्य मोर सबुदिन मने रहिब, एथर विदाय दियंतु। आसुछि बंधु। महर्षि, उत्कल सीमा ठारु आरंभ करी ए पर्यंत आसिबा भितरे मोर धारणा हेछि ए राज्य ठु मनोरम राज्य आउ कोठी नाही। यहार नील पर्वतराजी देखिले मने हुए जेमिति ध्यानरत ऋषि पर्वत मानक देहरु लंफ दौथुवा झरणा माने मने हुए जेमिति संगीत। यार घंच अरण्यानी सबु मने हुए जेमिति उपवन। आउ यार ग्राम सबुकु देखिले मने हुए जेपरि कौनसी चित्रशिल्पी भूमि उपरे मनोरम चित्र आंकी देछि। राजन, उत्कल हेउची देवभूमि, पुणी नदी मातृका देश। एही सबु नद नदी मानंक पाई उत्कल सुजला सुफला शस्य श्यामला। प्रत्येक सूर्योदय संगे असंख्य देवालय मानंकरु घंटाध्वनि भासी आसे।
साधु संत ब्राह्मण मानंकर मंत्र उच्चारण रे जल स्थल आकाश पवित्र हुए। खाली सेतिकी नुहे राजन, प्रभु नीलमाधव प्रच्छन्न रे थिले भी एहा तांकर निर्वाचित राज्य, एणु ए देशर प्रत्येक धूलिकणा मध्य पवित्र। ए कौन ए घंट घंटा ध्वनि कोठु भासी आसुची? निकटरे कौन किछि देवालय अछि? हाँ राजा, आमे वर्तमान एकाम्र क्षेत्र रे पहुँचिछु। जो घंट घंटा ध्वनि तमे सुनुच, सीए कोटिलिंगेश्वर मंदिर रु भासी आसुची। कोटिलिंगेश्वर? हाँ, देवदेव महादेवंक मंदिर, केही केही तांकु लिंगराज मंदिर मध्य कहिथांति। एही एकाम्र क्षेत्रर महात्म्य अनेक, स्वयं देवदेव महादेव माता पार्वतीक सहित एही क्षेत्ररे अवस्थान करुछन्ति। आमे दर्शन करिबाकु जीवानी? निश्चय जीवा। दर्शन करि आसिबा परे तुमको मु एकाम्र क्षेत्रर महात्म्य विषयरे कहिबि। रथ बाम दिगकु परिचालना कर। यथाज्ञा महर्षि। ॐ नमः शिवाय।
ओम नमः। मु तुम पूजा रे प्रीत होइसि इंद्रदुम्न, एबे चक्षु उन्मीलित कर। उठ उठ इंद्रदुम्न, उठ नारद। अवंती नगरी रु एठाकु आसिबार उद्देश्य मु जानिछि। एकथा मध्य मु जानिछि, तुमे हेउच परम विष्णु भक्त। विष्णु दर्शनर जो अभिप्सा तम मन भितरे थिला, ताहा अचिरे पूर्ण हेबाकु जाउछि। धराबक्षरे तुमे जणे कीर्तिमान राजपुरुष भावरे चिरदिन पाई चिह्नित होइ रहिब। हे देव देव महादेव, मो परम सौभाग्य, आपण मो प्रति प्रसन्न होइ मते दर्शन देइछन्ति। मु जो कार्यरे अग्रसर होउछि, से कार्य सिद्धि पाई मो आपणकर आशीर्वाद भिक्षा करुछि। इंद्रदुम्न, ब्रह्मांक पुत्र स्वयं महर्षि नारद तुमर पथ प्रदर्शक जेतेबेले, से निश्चय बाधा विघ्न अपसारण करि तुमर वांछित स्थानरे तुमको पहुँचाइ देबे। स्वयं विष्णुक कार्यरे तुमे अग्रसर हेउछ, तुम प्रति मोर शुभेच्छा एवं आशीर्वाद रहिला। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। महर्षि देव देव महादेव प्रसन्न हेइछन्ति। मु भावुथिली मु स्वप्न देखुथिली। स्वप्न नुहे राजन, ये वास्तव। तुमे लिंगराजंकर आशीर्वाद पाई धन्य हेइछ। महर्षि वाराणसी रे प्रभु विश्वनाथंक आस्थान बोली मु जानिथिली, किंतु कोटि लिंगेश्वरंक कथा कोनसे शास्त्र बा पुराणे तो पढ़ी नाही। এই কোটিলিঙ্গেশ্বরঙ্কর অনেক নাম, কৃতিবাস, লিঙ্গরাজ, মহেশ্বর, ত্রিভুবনেশ্বর ইত্যাদি। তাঁক বিষয়ে যদি জাণিবা চাহ, তেবে বাহারক আস, এক নিকাঞ্চন স্থানরে বসি সে বিষয়ে বর্ণনা করিব। এই স্থানর নাম একাম্রক্ষেত্র। এই যে আম্রবৃক্ষ দেখুছ, প্রথমে যেতেবেলে শিব পার্বতী বারাণসী ত্যাগ করি এই স্থানরে আসি রহিলে, সেতেবেলে সেমানে গোটিয়ে আম্রবৃক্ষ তলে আশ্রয় নেইথিলে। বর্তমান সেঠারে মন্দির নির্মাণ করা যাইছি। কিন্তু প্রভু নীলকণ্ঠ বারাণসী ত্যাগ কলে কাহিঁকি? যিয়ে ত্রিভুবনেশ্বর, যিয়ে পিনাক পাণি, যিয়ে গঙ্গাধর, সে গঙ্গা ত্যাগ করি বারাণসীর মনোরম অট্টালিকা ছাড়ি এটি এতে দূরে
ଏକ ଆମ୍ର ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ କାହିଁକି? ମୋର ଆଉ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ାନ୍ତୁନି ମହର୍ଷି, ମୁଁ କୋଟି ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷପାଦର କଥା। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଯିଏ ଯାହାର ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରକାରେ। ମୁଁ ସେହି ସମୟର କଥା କହୁଛି। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚିତ ସ୍ଥାନ ବାରାଣସୀରେ ସୁନ୍ଦର ସୌଧ ନିର୍ମାଣ କରି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ନିଜ ଅଂଶରୁ କୋଟିଲିଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେହି ବାରାଣସୀରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏହିପରି ଅନେକ ବର୍ଷ ବାରାଣସୀରେ କାଳାତିପାତ କରିବା ପରେ ତପସ୍ୟା ପାଇଁ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଗମନ କଲେ। ତାପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେବର୍ଷି? ବାରାଣସୀ କଟକକୁ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ରାଜା ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱାପର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କାଶୀରାଜ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେ ରାଜା କୃଷ୍ଣ ବିଦ୍ୱେଷୀ ଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଜରାସନ୍ଧ ଏବଂ କଂସକୁ ସଂହାର କରିଥିବାରୁ କାଶୀରାଜଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କର ଧାରଣା ହେଲା, ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କଲେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋର ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଇ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ, 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 ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ। ହେ ନୀଳକଣ୍ଠ, ହେ ପଶୁପତି, ହେ ଗଙ୍ଗାଧର, ହେ ଶୂଳପାଣି, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଲି, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଲି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଲି, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଲି ପ୍ରଭୁ। ଉଠ ଉଠ କାଶୀରାଜ, ଉଠ। ତୁମ ତପସ୍ୟାରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବତ୍ସ। ତୁମେ କିବର ମାଗୁଛ ମାଗ? ପ୍ରଭୁ,
ଆପଣ ଦୟାକରି ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ଇହକାଳ ପରକାଳର ପାପ ନାଶ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ଏଇ ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପରାଜିତ କରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ତୁମର ଏତେ କ୍ରୋଧ କାହିଁକି ବତ୍ସ? ପ୍ରଭୁ, ମଥୁରାଧିପତି କଂସ ଆଉ ମଗଧର ରାଜା ଜରାସନ୍ଧଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ତା ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ସେହି ଆଘାତକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ ବିଶେଷ କାରଣ ନାହିଁ, ତଥାପି ତମ ତପସ୍ୟାରେ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛି, ତମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତୁମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କର, ମୁଁ ମୋ ପ୍ରମଥଗଣଙ୍କ ସହ ପୃଷ୍ଠ ସହାୟ ହେବି। ଧନ୍ୟ ହେଲି, ଧନ୍ୟ ହେଲି ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ହେଲି, ଧନ୍ୟ ହେଲି ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ହେଲି, ଧନ୍ୟ ହେଲି। ରେ କୃଷ୍ଣ, ଅନେକ ଛଳ ଆଉ ଚାତୁରୀ ତୁ କରିଛୁ, କଂସ ଜରାସନ୍ଧ ପରି ବୀରଙ୍କୁ ତୁ ହତ୍ୟା କରିଛୁ, ଏବେ ତତେ ମୋ ହାତରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ତୋର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସନ୍ନ। କାଶୀରାଜଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା। ସେ କ୍ରୋଧରେ କମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଏବଂ କାଶୀରାଜଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆସିଯାଇଛି କାଶୀରାଜ। ଆସିଛ, ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ମୁଁ ତ ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି କାଶୀରାଜ, ବିନା କାରଣରେ ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି? କାରଣ କାରଣ ତ ଅନେକ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀ ଜାଣନ୍ତି ତମେ ହେଉଛ ଏକ ଛଳନାମୟ ପୁରୁଷ। କାଶୀରାଜ, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଛଳନା କରିଛି ବୋଲି କାହିଁ ମୋର ତ ମନେ ପଡ଼ୁନି? ଛଳନା କରିନାହଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସିନା ଛଳନା କରିନାହଁ, ମନେ ପକାଅ ମଥୁରାଧିପତି କଂସର ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଆଉ ମଗଧର ରାଜା ଜରାସନ୍ଧର କଥା। ସେମାନେ ତମର କିଏ କାଶୀରାଜ? ଆତ୍ମୀୟ, ପରିଜନ? ସମ୍ପର୍କ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତମ ଅନ୍ୟାୟର ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ତ ଜଣେ କିଏ ଦରକାର। ଆସ, ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର, ଅନ୍ୟାୟର ସମାଧାନ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହବ। ଆସ, ଯୁଦ୍ଧ କର। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ତମେ ନୁହଁ, ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କାହାର ଶକ୍ତି ତମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି? ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନି, ସାହସ ଅଛି ତ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର, ନହେଲେ କୁନ୍ତଘାତରେ ତୋ ଶରୀରକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବି। ଯାଅ, ଆକ୍ରମଣ କର। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ସିନ୍ଧୁ ତୁମେ ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ,
आपणा इच्छा रे अधा गढ़ा होई बसी अच्छा है नीलाद्रि गोसाई भावरे प्रकट अभावे उपाय